पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोतवाली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के विरोध में बुधवार को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से नई दिल्ली भारत सरकार के एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष को भेजा है। आपको बता दें कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा सिविल लाइन्स स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से भारत सरकार एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष को भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि उत्तर प्रदेश एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान द्वारा वाल्मीकि समाज के करीब 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। दर्ज मुकदमों को लेकर बुधवार को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े तमाम लोगों में रोष उत्पन्न है। मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है, हमारे भगवान वाल्मीकि पर जो शोभा यात्रा निकाली गई, मुरादाबाद के अंदर इतिहास रहा है वाल्मीकि शोभा यात्रा का। सन 80 का दंगा हो, सन 92 के झगड़े हो, सन 94 का कर्फ्यू हो, लेकिन आज तक कहीं कोई बाल भाकर हमारे शोभा यात्रा के अंदर नहीं हुई है। हमारे ही समाज की गीता साध्वी ने आन करके जो हमारी शोभा यात्रा में व्यवधान उत्पन्न किया है, वहाँ झगड़े की स्थिति पैदा करी है, हम उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये झगड़ा जो उन्होंने व्यवधान वहाँ पहुँचाया अमरोहा गेट पर, पूरे पुलिस प्रशासन के सामने जिंदा लूट का दिखा दिया उन्होंने, साथ ही उन्होंने हमें लूटा है, पैसे छीने गए, चैन छीनी गई है। वहाँ जब सिटी मजिस्ट्रेट महोदय मौजूद हैं, वहाँ एसपी सिटी मौजूद हैं, जिस कोतवाली के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया उस कोतवाली के खुद कोतवाल उस जगह मौजूद हैं। इस चीज़ के प्रमाण हमारे पास है, एसपी सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, कोतवाल उस क्षेत्र के अंदर हमारे साथ उस जगह ऑन द स्पॉट हमारे साथ मौजूद है। अगर प्रशासन के इतने बड़े अमले के साथ में अगर लूट हुई है, तो इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है वाल्मीकि समाज के लिए। कोई भी सत्ताधारी आदमी वाल्मीकि समाज के ऊपर जैसे मर्जी चाहेगा वैसे मुकदमा दर्ज करा देगा। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? हम लोगों के करीबन 18 लोग, उसमें 12 लोग नामजद हैं और 7 लोग नामजद हैं और 12 लोग अज्ञात में हैं। हम ये चाहते हैं कि मुकदमा वापस हो, सरासरी मुकदमा झूठा है। यदि उनकी किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ, वहाँ लड़े जा करके हमारे वाल्मीकि शोभा यात्रा के अंदर वाल्मीकि समाज को बदनाम करने की जो आज स्थिति पैदा करी गई है, ये जघन्य अपराध किया गया है। और इसके लिए अगर वाल्मीकि समाज गीता या साध्वी को कभी माफ़ नहीं करेगा, हमारा वाल्मीकि समाज से यही अनुरोध है कि आप सब आएँ और अपने संघ अपने हक के लिए और अपने ऊपर जो दाग लगाया गया है शोभा यात्रा का, इसके लिए संघर्ष करें। और प्रशासन से भी मैं अनुरोध करूँगा, ये फर्जी मुकदमा है, इसकी जांच कराएं, निष्पक्ष जांच कराएं, जो दोषी हो देखें कौन दोषी है इसमें। प्रशासन वहाँ मौजूद है, मैंने सारे प्रशासनिक अधिकारी को क्या मांग करते हैं, हमारी एक ही मांग है ये मुकदमा जो है वापस हो और इसकी तुरंत सबसे पहले निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।